हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सब स्वस्थ होंगे। गाइस, अभी बना रही हूँ मैं उड़द, और उड़द के साथ में बना रही हूँ बगड़ की रोटी। बगड़ की रोटी के साथ में उड़द हो, साग हो, उसी के साथ में अच्छी लगती है। तो गाइस, बगड़ क्या होता है? बगड़ होता है चावल का आटा। तो मेरे यहाँ सभी को पसंद है और खासकर मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद है। बगड़ की रोटी नहीं बोलती है, वो बोलती है व्हाइट वाली रोटी, मम्मी व्हाइट वाली रोटी बनानी है। तो बस मैं व्हाइट वाली रोटी बना रही हूँ, बगड़ की रोटी। तो गाइस क्या था, मेरे को पहले बगड़ की रोटी बनानी नहीं आती थी, लेकिन क्या है, अभी मैं सीख गई हूँ तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और बहुत अच्छी सी बना लेती हूँ तो इसलिए, और ये ट्रिक बहुत अच्छी है और मुझे भी किसी ने बताई थी। तो अभी क्या है, मैंने आटा गूंद लिया है और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए रख दूंगी, जिससे कि अच्छे से होता है ना, चावल में जो किनकी होती है वो अच्छे से गल जाती है। तो आटा अच्छे से हो जाएगा 2 से 3 मिनट बाद। तो अभी मैंने गैस पर रख दिया है तवा और गैस कर दिया है ऑन। और यहाँ पर ले लिए मैंने एक पोलोथीन, और ये ट्रांसपेरेंट पोलोथीन है, इसको मैंने स्लेट पर बिछा लिया है। अगर आप चकले पर रोटी बनाते हैं तो इसे चकले पर बिछा लें, लेकिन मैं क्या है, मैं स्लेट पर ही रोटी बेलती हूँ, तो मैंने इसलिए स्लेट पर ही डाल ली है पोलोथीन। और ये सूखा आटा ले लिया है पलेथन के लिए। और जैसे हम गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं ना, सेम इस तरीके से ही हमें लोई बनानी है। और अगर आप पहली बार ये रोटी बना रहे हैं बगड़ के आटे की, तो आप 2 पोलोथीन ले। मैं तो सीख गई हूँ तो मुझे अब 1 पोलोथीन की जरूरत होती है। तो बस मैंने लोई बना ली है, उसमें हल्का सा पलेथन लगाकर इसको धीरे धीरे बेलेंगे और इसको पोलोथीन पर रख लेंगे, जिससे कि नीचे ना चिपके। अगर चकले पे आपको पोलोथीन रखनी है तो चकले पर रख सकते हैं। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इसके लोई के ऊपर दूसरी पॉलिथीन रख लें, तो उससे बहुत अच्छी और भी अच्छी बन जाती है। पर मैं सीख गई हूँ तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। और इस तरीके से पॉलिथीन से हम मक्का की, बगड़ की, कुट्टू की, सब तरीके की रोटी बना सकते हैं। तो बस जो पॉलिथीन लग गया था, इसमें रह गया था, वो मैंने हाथ से हल्का सा झाड़ दिया है और डाल दी है तवे पर। और इसको मैं बस हल्का सा पलट लूंगी जब एक तरफ से सिक जाएगी, और अभी एक तरफ से सिक गई है। और सेम ऐसे ही मैंने दूसरी रोटी बना ली है। तो गाइस, इस तरीके से आप आराम से बगड़ की रोटी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी बनती है, फूली फूली एकदम, और हमारे यहाँ सभी को बहुत पसंद है। तो गाइस, आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी सुंदर फूली फूली रोटी बन गई है बगड़ की। और मैं बस अब जल्दी जल्दी भी बना लेती हूँ, पहले क्या था धीरे धीरे बनती थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गई है। और इस ट्रिक से आप मक्का की, बगड़ की, कुट्टू की कैसी भी रोटी बना सकते हैं और एकदम परफेक्ट बनती है। बस यही है कि पोलोथीन अगर आप अभी नए बनाना शुरू किया है तो 2 यूज कर सकते हैं, नहीं तो 1 यूज करें। तो फ्रेंड्स, बगड़ की रोटी बन गई है और उसके बाद मैं बना रही हूँ अभी पाव भाजी। तो यहाँ पर मैंने लाल, पीली, हरी, सफेद सब सब्जियां काट कर रख ली हैं और इनको मुझे बॉइल्ड करना है। और गाइस क्या होता है कि बच्चे अगर लौकी, तोरी और कद्दू ना खाए ना, तो हम पाव भाजी में वो भी खिला सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने सब्जियों को काट कर और इनको बॉइल्ड करना है, तो इसको मैं कुकर में डाल लेती हूँ। और मेरी बेटी को पाव भाजी भी और बगड़ की रोटी दोनों ही चीजें बहुत पसंद है, तो आज दोनों ही डिशेज मेरी बेटी की पसंद की हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे कि ये अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। और बस कुकर को बंद कर दूंगी, गैस को ऑन कर दूंगी और 3 से 4 सीटी मुझे इसमें लगवानी है। और पाव भाजी के लिए यही होता है, बस सब्जियां अच्छे से गल जानी चाहिए। तो जब तक सब्जियां गलती हैं, तो मैं यहाँ पर टमाटर और प्याज कट करके इनका पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बना लिया है प्याज और टमाटर का पेस्ट ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि भाजी के लिए ग्रेवी बनानी होती है। तो अभी सब्जियाँ भी अच्छे से गल गई हैं, तो इनको मैं मैश कर लेती हूँ, यानी कि इनकी पूरी भाजी बना लेती हूँ। इनको मैश करके ही अच्छे से भाजी बन जाएगी, तो बस इन्हें मैं मैश कर लेती हूँ। और उसके उसके बाद भाजी को फ्राई करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर भाजी को अच्छे से मेस लिया है, इसका पूरा पेस्ट बना दिया है और टमाटर प्यूरी भी तैयार है और प्याज की पेस्ट भी मैंने अच्छे से बना लिया है और गैस पर रख दी है कढ़ाई। अब बस इनको अच्छे से फ्राई करना है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल के साथ ही
जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया था तो जीरा डाल दिया। जब जीरा अच्छे से चटक गया यानी कि थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज का पेस्ट और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। और थोड़ा सा ये भून जाएगा, अभी ये थोड़ा सा भुन गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला। तो गाइज, पाव भाजी मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप सब्जी मसाला और गरम मसाला दोनों एक एक चम्मच ऐड कर लें, तो उससे भी पाव भाजी का ही टेस्ट आता है। मैंने वो भी ट्राई किया था। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच पाव भाजी मसाला प्याज के पेस्ट में। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर प्यूरी, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, और ये मैंने इसका मैंने वीडियो भी शेयर किया है। तो यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया है, और नमक हम टेस्ट के अनुसार डाल देंगे क्योंकि हमने सब्जियों में भी पहले डाल दिया था जब सब्जी बॉइल्ड की थी। और जो भी मसाले पड़ने हैं इसमें बस यहाँ पर डाल देंगे। मेन क्या होता है इसमें, पाव भाजी मसाला ही होता है, तो वो सब डाल दिया है। और टमाटर नहीं प्याज का पेस्ट अच्छे से भून गया है, तो अभी मैंने डाल दी है टमाटर प्यूरी। टमाटर और प्याज जब तक अच्छे से भूनते हैं, ये 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इन्हें भूनने में, और इसको अच्छे से जब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, तब इसमें भाजी डालनी है, जिससे कि हमारे टमाटर प्याज तो पहले से ही अच्छे से भून गई थी, बट टमाटर की प्यूरी हमने बाद में डाली है, तो वो अब अच्छे से भून जाएगी। और उसके साथ ही जब ये अच्छे से भून जाए तो तब इसमें डालनी है भाजी। तो अभी मैंने इसमें डाल दी है भाजी। भाजी का हमारी का पूरा का पेस्ट बना ही हुआ था, तो जब भाजी डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है, यानी कि इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी, और आपके पास बटर है तो आप बटर डाल सकते हैं, बट मेरे पास बटर नहीं था तो मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। और इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे, और मसाले तो हमारे पहले से ही अच्छे से पक गए थे। इधर मैंने गैस पर रख दिया है तवा, और देसी घी लगाकर मैं पाव सेक लेती हूँ, और उसके साथ ही मैं लगा देती हूँ अपनी बेटी की प्लेट, क्योंकि मेरी बेटी के फेवरेट हैं पाव भाजी भी और बगड़ की रोटी भी। तो गाइज, आपको कैसे लगा, और आप भी इस तरीके से बना सकते पाव हैं भाजी भी और बगड़ की रोटी, दोनों ही चीजें इतनी फेवरेट है बहुत ज्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने उसकी प्लेट लगा दी है। तो गाइज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और इस तरीके से आप पाव भाजी भी बनाकर देखना। और बगड़ की रोटी अगर आपसे नहीं आती है तो पक्का अगर इस तरीके से बनाओगे ना तो बन जाएगी, और मक्का की भी बन जाएगी, कुट्टू की भी बन जाएगी। तो गाइज प्लीज जरूर ट्राई करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब।